हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फर्स्ट इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मींस होता है पहले, फर्टिलाइजेशन मींस मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, और प्री मतलब पहले, यानी मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से पहले का इवेंट। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा, तो उससे पहले क्या हो सकता है, वो जो गैमेट मिलेगा उस गैमेट का फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो वो गैमेट का फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उस बात को हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ना है, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दीज इंक्लूड ऑल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन मतलब वही मीटिंग, कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, मिक्स होना, मिलना। तो ये क्या होता है, जो आपका गैमेट मिलने के पहले का प्रोसीजर होता है, प्रायर मतलब पहले का होता है। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। क्लियर हुआ? तो दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, जहाँ पे भी आपको जीनेसिस दिख जाए, जीनेसिस मींस फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? जीनेसिस मींस क्या होता है, लास्ट में जो जीनेसिस दिख रहा है ना, जीनेसिस मींस होता है फॉर्मेशन। अब उसके आगे जो भी वर्ड लगा होगा, उस वर्ड का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले गैमेट को अगर मिक्स कराना है, तो गैमेट बनाना तो पड़ेगा। तो गैमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे गैमेट का फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं गैमेट कैसे बनता है। एज यू ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है दो तरीके के गैमेट बनना, मेल और फीमेल गैमेट, और वो गैमेट है मेल और फीमेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। हैप्लॉइड आपने क्रोमोसोम के बारे में सुना होगा, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं, ठीक है। और हमारी जो इंसान की अगर बात करें, तो इंसान में होता है 23 पेयर क्रोमोसोम, पेयर की बात कर रहा हूँ, सिंगल क्रोमोसोम नहीं। तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होता है। क्लियर हुआ? अब इसको अगर सिंगल सिंगल की बात करूँ, तो मतलब 46 क्रोमोसोम होता है। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो ये जो पेयरिंग होता है ना, पेयरिंग, तो यानी ऐसे आपका क्या होगा, जैसे दो 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 करते करते आपका 23 पेयर होगा। जैसे ये आपका दो का ग्रुप, फिर अगेन एक पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छह पेयर, ऐसे करते करते आपका 23 पेयर होगा। तो अगर इस आधे पेयर अगर सबका हटा दें, मतलब सब 23 पेयर में से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः करके 23 बचे, तो ये जो 23 आपका क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? यानी जितना क्रोमोसोम का नंबर होगा टोटल, उस टोटल का आधा कहलाता है हैप्लॉइड, और अगर ये पूरा पूरा यानी 46 है, तो वो कहलाएगा डिप्लॉइड। अब ये क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे इंसान का एग्जांपल लिया, ह्यूमन का एग्जांपल लिया। ह्यूमन में होता है 46, अगर 23 क्रोमोसोम है तो वो कहलाएगा हैप्लॉइड, और अगर 46 है तो वो कहलाएगा डिप्लॉइड। यानी जो गैमेटोजेनेसिस में जो मेल गैमेट होता है, उसके पास होता है 23, और जो फीमेल होता है उसके पास होता है 23। और जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, मतलब फर्टिलाइज होते हैं, तो अगेन हमारी बॉडी बन जाती है 46। क्लियर हुआ?
कि गैमेट 23 23 करके लेके आता है और ये ही 23 23 अगेन जब ऐड होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिक्स होता है, तो हमारा टोटल बॉडी बन जाता है 46 क्रोमोसोम का। क्लियर हुआ? यानी नॉर्मल बॉडी में जो हर सेल है उस सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा आपका? 46। लेकिन गैमेट में होता है 23, और जब दोनों गैमेट मिलता है तो बॉडी अगेन बन जाता है 46। इसका मतलब क्या हुआ? आधा कैरेक्टर आता है, आधा मतलब कुछ कैरेक्टर आता है, यानी ये जो 23 है तो इस 23 मतलब कुछ कैरेक्टर पापा से आएगा, कुछ कैरेक्टर मम्मी से आएगा, यानी दो तरीके कैरेक्टर मिल के एक इंसान बनता है। इसी वजह से एक बच्चे के अंदर कुछ कैरेक्टर उसके मम्मी के भी होते हैं या कुछ कैरेक्टर उसके पापा के ही होते हैं। तो ये जो सिंगल अगर 23 की बात कर रहा हूँ तो ये कहलाता है हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, ये गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड वर्ड का मतलब समझ में आया? आई थिंक मैंने तो पूरी कोशिश किया, अब आप भी थोड़ा सा कोशिश करके समझिए। इन सम एल्गी टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है, कि जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान में एक तो आपका स्पर्म, मैं नॉर्मल एक ऐसे ही डेमो जैसे बना के दिखा रहा हूँ, ये स्पर्म इस तरीके से होता है और ओवम इस तरीके से होता है। तो ये दोनों को हम देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। लेकिन वहीं पे अगर हम कुछ बात करें, जैसे एल्गी की बात करें, किसकी बात करें? एल्गी। तो एल्गी में दोनों ही गैमेट कैसा होता है? एक ही तरीके का। ठीक है, तो हम इन दोनों को देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सम एल्गी टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। ये जो दोनों मेल फीमेल गैमेट होता है दोनों एकदम सिमिलर होता है एक जैसे, दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी उनको देख के हम मेल और फीमेल गैमेट में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। और एग्जांपल के लिए ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, क्लियर हुआ? तो ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है और इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। उसके बाद ये देखिए आपका, और ये एग्जांपल किसका? देखिए नाम तो है आइसोगैमस, सेम तरीके का होगा तो बोलेंगे आइसोगैमस, और नाम क्या है इसका? क्लेडोफोरा। क्लियर हुआ? है आइसोगैमस लेकिन एग्जांपल है क्लेडोफोरा का। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ये दोनों का शेप अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब ये दोनों एक ही स्पीशीज के, एक फीमेल है और एक मेल है, और ये इंसान का है, ये फीमेल है और ये मेल है। क्लियर हुआ? तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों डिफरेंट तरीके का, तो डिफरेंट है तो बोलते हैं हेट्रोगैमेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों भी डिफरेंट है तो यहाँ पे भी है हेट्रोगैमेट। तो ये वाला गैमेट तो आपका क्लेडोफोरा का आइसोगैमस, और ये हेट्रोगैमेट है आपका फ्यूकस जो कि एक एल्गी है, और ये है आपका होमोसेपियन, साइंटिफिक नेम दे रखा है ह्यूमन बींग, यानी इंसान का है। तो ये दोनों गैमेट आपको समझ में आ गया होगा, आइसोगैमस और हेट्रोगैमस क्या होता है। एकदम सेम अपीयरेंस होगा तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, डिफरेंट अपीयरेंस होगा तो हेट्रोगैमस। अब कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है, ये डायग्राम आपका बना हुआ आ जाएगा और इससे पूछ लेगा, बताइए हेट्रोगैमस है या आइसोगैमस? अगर आइसोगैमस है तो किसका है? तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लेडोफोरा। इस तरीके से हेट्रोगैमेट ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो इन दोनों में हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा किसका है। तो ये किसका? यह फ्यूकस और यह होमोसेपियंस। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। क्लियर हुआ? अभी देखा जो कुछ एल्गी में अगर सेम होता है तो वो क्या कह रहा था, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। ये फिगर 1.5 का ए जो अभी हमने ऊपर देखा है। हाउएवर इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप, जिसको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं।
मॉर्फोलॉजिकली मतलब हम उसको बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि दोनों अलग है मॉर्फोलॉजिकली, तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोगैमेट्स। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म। ठीक है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसमें मेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट को बोलेंगे एग या फिर ओवम। क्लियर हुआ कि अगर डिफरेंट है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हेट्रोगैमेट है तो मेल गैमेट को हम बोलेंगे एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे एग या फिर ओवम। ये देखिए फिगर 1.5 का बी और सी देख रखा है हमने। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11th, यू आइडेंटिफाई केस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। ऑफ कोर्स काइटिंग सच एग्जाम्पल इज प्लांट इज ईजी। क्लियर हुआ, तो समझा देता हूँ एक बार क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है ये जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि गैमेट दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आए। कहाँ से आए, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेम भी हो सकता है, सेम मतलब एक ही प्लांट में मेल फीमेल भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और जो कि मेनली कहाँ देखने को मिल सकता है, प्लांट में, क्योंकि इंसान में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि इंसान में मेल फीमेल दोनों ही अलग होता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमें प्लांट में दिख जाता है ईजिली। ठीक है, चलिए। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, तो प्लांट में हमें क्या दिख जाएगा, मेल और फीमेल दोनों सेम प्लांट में दिख सकता है, जिसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। मतलब अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों होगा तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल, या फिर अगर डिफरेंट में होंगे, मतलब एक प्लांट में मेल दूसरा फीमेल, यानी एक प्लांट में एक ही, तो उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। ये फिगर में दे रखा है, अभी नीचे हम देखेंगे। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म होमोथैलिक एंड मोनोइशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाईसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथैलिक कंडीशन एंड डाइशियस आर द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल। यानी कि इस जो बाईसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल को हम हेट्रोथैलिक या मोनोइशियस भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, बाईसेक्सुअल को हम होमोथैलिक और मोनोइशियस भी बोल सकते हैं, यानी एक ही प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो उसको हम बाईसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोइशियस बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में हो तो उसको हम, एक तो हमारा यूनिसेक्सुअल तो हम बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ में हेट्रोथैलिक या फिर डाइशियस बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो तीन तीन टर्म है ये यूज़ करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेटेड। यानी ऐसा प्लांट जो यूनिसेक्सुअल हो, मतलब एक प्लांट में एक ही सेक्स हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, तो अगर उसमें मेल पार्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है, मेल पार्ट, ठीक है, मेल, तो मेल अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट, जिसमें कि होगा हमारा स्टेमन। यानी मेल प्लांट में क्या होगा, मेल फ्लावर में स्टेमिनेट उसको यूज करेंगे वर्ड, लेकिन उसमें होगा स्टेमन। इसी तरीके से फीमेल प्लांट के लिए हम यूज़ करेंगे पिस्टिलेट, जिसमें कि होगा पिस्टल, और ये पिस्टल स्टेमेंस क्या होता है वो अभी आगे हमें मिल जाएगा, तो इसलिए मैं इतना यहाँ पे इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, जब आगे मिल जाएगा वो आप समझ जाएगा वहीं भी। चलिए आगे देखते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स
बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, कि अगर सेम में हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं मोनोइशियस, और सेपरेट इंडिविजुअल जैसे कि डाइशियस। सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट्स आर कुकरबिटस। अब देखिए ये एग्जांपल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मोनोइशियस का जो एग्जांपल है वो क्या है, कुकरबिटस कोकोनट, और डाइशियस प्लांट है पपाया एंड डेट पाम। यानी ये दोनों जो पपाया और डेट पाम है इसमें क्या होता है, ये डाइशियस प्लांट होते हैं। और डाइशियस का मतलब क्या होता है, तो डाइशियस का मतलब क्या होता है, डाइशियस का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट में हो। और उसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास, ये देखिए ये हमारा पपाया और डेट पाम, यानी इनमें दोनों मेल और फीमेल अलग अलग होता है। इस तरीके से मोनोशियस में एग्जांपल है ये रहा, तो इनके मतलब एक ही प्लांट में दोनों होते हैं मेल फीमेल। नेम द टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। चलिए आगे देखते हैं, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स में क्या होता है, आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, और देयर स्पीशीज विच पजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी वही पूछ रहा, जैसा कि हमने ये ऊपर अभी देखा है सारे प्लांट के लिए है, तो ये बोल रहा है कि अगर एनिमल के केस में क्या होता है, क्या ये अलग अलग होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाईसेक्सुअल होता है, कि मतलब एक ही जानवर में दोनों पाए जाते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल एनिमल्स, सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज, कि आप बना ही सकते हो बहुत बड़ा लिस्ट जिसमें कि यूनिसेक्सुअल एनिमल के लिस्ट आएंगे, क्योंकि लगभग सारे एनिमल्स ही क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। लेकिन अर्थवर्म स्पॉन्ज टैपवर्म एंड लीच, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि है बाईसेक्सुअल एनिमल्स के। यानी क्या है, ये एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों होता है, और वो एनिमल की केस में एग्जांपल हो गया ये रहा आपका अर्थवर्म टैपवर्म लीच। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, और कॉकरोच क्या है, ये यूनिसेक्सुअल स्पीशीज है, कि कॉकरोच में सेक्स अलग अलग होते हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब जो गैमेट बनता है उस गैमेट बनने के लिए भी क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो चलिए देखते हैं सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, तो दो तरह के गैमेट होता है मेल और फीमेल। गैमेट्स आर हेप्लॉइड, ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गैमेट हेप्लॉइड होते हैं। दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। ए हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाई माइटोटिक डिवीजन। तो क्या कह रहा है, गैमेट तो देखिए पक्की बात है हमारा हेप्लॉइड होगा, क्लियर हुआ। तो अब वो जो बॉडी है, क्योंकि कुछ बॉडी ऐसा होता है जो पेरेंट बॉडी होता है वो हेप्लॉइड भी हो सकता है या फिर डिप्लॉइड भी हो सकता है, क्लियर हुआ। तो बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी हेप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, गैमेट तो पक्की बात है हेप्लॉइड ही होना है, क्लियर हुआ। तो देखिए वही लिखा हुआ है, गैमेट्स आर हेप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड हो, लेकिन गैमेट हमारा हेप्लॉइड ही होगा। ए हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। अब एक आता है माइटोटिक डिवीजन और एक आता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है। यानी इसी को माइटोटिक को हम माइटोसिस बोलते हैं और एक होता है मियोसिस। तो आइए माइटोसिस और मियोसिस देखते हैं, क्योंकि 11th में है ये अच्छे से।
तो अगर 11th कई बार बच्चे पढ़ते भी नहीं है ढंग से, तो आइए मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको माइटोटिक, क्या बताने जा रहा हूँ, माइटोटिक, माइटोटिक, क्लियर हुआ, माइटोटिक। तो माइटोटिक में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि अगर मेरे बॉडी या किसी के बॉडी में मान लीजिए अगर 46 है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, क्लियर हुआ। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये आगे चल के हम अभी आगे आएगा हमारा चैप्टर उधर पढ़ेंगे, तो सिंपल से इतना जान लीजिए क्रोमोसोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए का ग्रुपिंग, ठीक है, क्योंकि डीएनए ऐसे थ्रेड जैसा होता है ना, तो थ्रेड की फॉर्म में तो बॉडी होगा नहीं, तो ये किस फॉर्म में होता है, ग्रुपिंग की फॉर्म में, ग्रुपिंग। तो ये जो ग्रुप किया हुआ रहता है तो ये 46 ग्रुप में होता है ह्यूमन बॉडी में, तो यही जो ग्रुप यानी बंडल बना हुआ रहता है, यानी ये जो थ्रेड हमारा था डीएनए का, ये जो थ्रेड था डीएनए का, ये थ्रेड का क्या होता है, कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग। तो कॉइलिंग होके इस तरीके से ये आपका बनाता है 46, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए, ओ सॉरी, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में 46 बंच बनाता है, क्लियर हुआ। तो हम बात कर रहे थे माइटोटिक, अब टॉपिक के अंदर टॉपिक शुरू हो जाता है तो बताना पड़ जाता है। तो देखिए, तो जब 46 अगर है, इसका अगर माइटोटिक होगा तो डिवीजन के बाद भी 46 ही रहेगा, यानी सेल की टर्म में समझिए, ये एक सेल है, इस सेल से अगर कोई दूसरा सेल बन रहा है, अगर इसके अंदर 46 है तो इस सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब सपोज करिए अगर इसमें 23 है, कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे एक सेल में कितने हैं, 23, अगर इसका माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो जो दूसरा सेल आएगा उसमें भी होगा 23, यानी ये रहा एक सेल, इसमें अगर 23 तो ये आने वाले सेल इसमें भी होगा आपका 23, क्लियर हुआ। तो ये डिवीज़न कहलाता है माइटोटिक डिवीज़न, और इसको डिनोट करते हैं हम हैप्लॉइड से, यानी ये 23 कंडीशन में है, मतलब ये हैप्लॉइड है, और इसको हम नंबरिंग अगर दे तो इसको बोलते हैं एन, ये हो गया एन, ठीक है, तो ये हो गया आपका एन। अब सपोज करिए मैं बात करता हूँ मियोटिक या फिर मियोसिस, मियोटिक या फिर मियोसिस, तो अगर 46 है तो 46 को हम डिनोट करते हैं 2n से, क्योंकि 23 होगा, तो इसका अगर होता है मियोसिस या मियोटिक, क्लियर हुआ, मियो और माइटो, तो ये आपका बन जाएगा 23 और 23 में, देखिए आधा आधा हो गया, और ये इस तरीके से सेल बनाएगा जिस सेल में होगा आपका 23, क्लियर हुआ। तो अब देखिए, अब टॉपिक में देखते हैं टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक कहना ये चाह रहा है कि हमारा जो गैमेट है, गैमेट, गैमेट में कितना होगा, अगर मैं इंसान की बात करूँ तो सपोज करिए इंसान का शरीर अगर हैप्लॉइड होता, मतलब इंसान के शरीर में 23 होता, तो ये सेल डायरेक्ट क्या करता, माइटोटिक डिवीज़न करता, ताकि इसका और फर्दर डिवीज़न ना हो पाए, ये 23, ये जो स्पर्म बनता या ओम बनता, इसमें 23 ही आए, क्लियर हुआ। तो इसीलिए ये डिवीज़न करता आपका माइटोटिक, क्लियर हुआ, माइटोटिक डिवीज़न करेगा तो जितना है उतना ही रहेगा, अगर ये हैप्लॉइड है तो ये माइटोटिक ही करेगा, क्योंकि मियोसिस ये कर नहीं सकता, क्लियर हुआ। अब वहीं पे सपोज़ करिए, सपोज़ क्या करिए, एक्चुअल में इंसान में कितने होते हैं, इंसान में होते हैं 2n, कितने होते हैं 2n, यानी 46। अब उसके गैमेट में जाना है 23, गैमेट में कितना जाना है 23, क्लियर हुआ, यानी गैमेट में चाहिए n, तो ये कौन सा डिवीज़न करेगा, माइटोटिक या मियोटिक, क्योंकि आधा हो गया, तो आधा होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोटिक, क्लियर हुआ, मियो, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, आप स्पेलिंग लिख लीजिए मियोटिक, क्लियर हुआ। तो अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, कि अगर अगर हमारे पास जो सेल है वो कैसा है, एन है, तो एन से एन बनाने के लिए क्या करेगा, वो माइटोटिक करेगा, ये रहा आपका माइटोटिक, क्लियर हुआ। अब इसमें मियोसिस नहीं हो सकता, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हैप्लॉइड होगा, मतलब एन होगा, तो ये क्या करेगा, माइटोटिक करेगा,
डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड? तो कह रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ये हैप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में कभी भी मियोसिस नहीं होगा? तो मियोसिस होगा, ठीक है, कि हैप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज्म में भी मियोसिस होता है। कब होता है समझिए, कि एक तो आया हमारा एन, एक क्या आया, एक आया एन उस फादर मदर करके बात कर लेते हैं तो ध्यान समझ में आएगा। एक एन आया फादर से, एक एन आया मदर से, तो टोटल जो हमारा बच्चा उसका आएगा उसमें होगा 2N, क्लियर हुआ। लेकिन बॉडी कैसा है, बॉडी है हैप्लॉइड, क्लियर हुआ, बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, तो इसको तो हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा, यानी ये 2N बनेगा, फिर यहाँ पे होगा इसका मियोसिस, क्लियर हुआ, यहाँ पे आके फिर उसका होगा ये मियोसिस, यहाँ पे होगा, क्लियर हुआ। मतलब जब ये ब्रेक डाउन करेगा तब मियोसिस नहीं होगा, क्लियर हुआ। फिर से एक बार आराम से समझिए, थोड़ा तसल्ली से, ये समझने में थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन यही सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जहाँ सोचने में प्रॉब्लम हो। तो समझिए, मदर में एन, फादर में भी एन, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी हो गया, उसमें हो गया 2N, लेकिन बॉडी ऑलरेडी कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, मतलब बॉडी में होना चाहिए एन। तो ये क्या करेगा, जो ये जायगोड बन गया 2N, ये क्या है, ये जायगोड बन गया, ठीक है, ये जायगोड बन गया। अब ये जायगोड से जब इसको फिर से एन बनाना होगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये मियोसिस करेगा, क्लियर हुआ। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक यहाँ रुक गया, समझाने का काम ज़्यादा था, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जो हैप्लॉइड होता है उसमें भी मियोसिस होता है। केयरफुली एग्जामाइन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 3, गेट सुटेबल आंसर। तो ये क्लास 11 की बात है। चलिए आगे देखते हैं, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट। कैसे होते हैं ये, हैप्लॉइड प्लांट होता है, बट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू पिटिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर मोस्ट ऑफ द सिमिलर, सॉरी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। तो पेरेंटल बॉडी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, क्लियर हुआ। तो ये जो ऊपर हमने देखा, मतलब बहुत सारे आप हमारे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वहीं पे ऐसे इंसान हो गया, ये सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड होता है। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, हैज़ टू अकर इफ डिप्लॉइड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। यानी कह रहा है कोई हमारा डिप्लॉइड बॉडी है, डिप्लॉइड मतलब उसमें जो क्रोमोजोम्स है वो पेयरिंग में है, तो पेयरिंग को अगर आधा करना है, मतलब 2N में है, तो इसको रिडक्शन करना है, यानी स्पर्म में तो एन ही जा सकता है, तो इसको कम करना है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मियोसिस, तभी ये रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब ये रिड्यूस होगा, कम होगा, तो यहाँ पे होगा मियोसिस ना कि माइटोसिस। तो अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, कि कोई अगर हैप्लॉइड बॉडी है और उससे हमें बनाना है गैमेट, तो कौन सा डिवीजन होगा, तो वहाँ पे होगा माइटोसिस या माइटोटिक। इस तरीके से अगर डिप्लॉइड बॉडी है और बनाना है गैमेट, तो कौन सा डिवीजन होगा, तो उस कंडीशन में डिवीजन होगा मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक नहीं भूलना है, टॉपिक हमारा चल रहा है इवेंट, और इवेंट में चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, तो हमें गैमेट तो बनाना पड़ेगा, तो ये सारा चीज़ हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें गैमेट बनाना है। तो गैमेट कैसे बनेगा, अगर हैप्लॉइड है
तो माइटोटिक डिवीज़न से अगर गैमिट बनेगा, अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस डिवीज़न से बनेगा। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, ठीक है। तो एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट, और इसको और एक नाम क्या देते हैं, गैमिट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। यानी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम 2N की फॉर्म में होता है, यानी वो पेयरिंग में होता है, तो उसमें एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशल सेल होता है और उस सेल का नाम है मियोसाइट, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, गैमिट मदर सेल। और इसी गैमिट मदर सेल का ही होता है मियोसिस, ऐसे कोई भी सेल का नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमने अपने हाथ के कोई सेल ले लिया, अब वहाँ से उसका मियोसिस करा दिया तो हमारा स्पर्म बन जाए, ऐसा नहीं होता है, क्लियर हुआ। तो उस स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है गैमिट मदर सेल। वो सेल, वो पर्टिकुलर, वो गैमिट मदर सेल मियोसिस करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है कि गैमिट बनने के लिए कौन से सेल का इस्तेमाल होता है, तो वो होता है गैमिट मदर सेल या फिर मियोसाइट्स। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ गया, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमिट, क्लियर हुआ। तो वही कह रहा है, सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जिसमें ये रहा आपका गैमिट मदर सेल, जिसमें हमारा सेल नंबर कितना है, 2N की फॉर्म में है, और यह कौन सा सेल, यह गैमिट मदर सेल। वैसे है तो सारे सेल में 2N, लेकिन पर्टिकुलर गैमिट मदर सेल का होता है डिवीज़न। तो ये जैसे डिवीज़न होता है और बना देता है हमारा स्पर्म, क्या बना देता है, स्पर्म, ठीक है। तो ये जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म में जो गैमिट होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। टेबल 1.1 एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये इसमें टेबल दे रखा है, तो इस टेबल में आपको भरना है, क्लियर हुआ। तो आइए देखते हैं टेबल में क्या दे रखा है। ये देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, और ह्यूमन बीइंग में है आपका क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट। मियोसाइट मतलब वो स्पेशल सेल जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर डबल है, ठीक है। तो अगर ये डबल है तो जो गैमिट आएगा, गैमिट, तो गैमिट में कितना हो जाएगा, मियोसाइट का आधा। तो ये देखिए आधा, 46 का आधा होता है 23। इसी तरीके से हाउस फ्लाई में जो मियोसाइट है उसमें हमारा है 12 नंबर, कितना है 12 नंबर। तो बताइए क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 2N लिखा हुआ है, यहाँ N लिखा हुआ है, मतलब इस N का आधा, तो आधा मतलब 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6। सेम इसी तरीके से रैट में देखिए, गैमिट में दे रखा है 21, तो मियोसाइट में कितना होगा, गैमिट का डबल होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42। सेम इसी तरीके से आपको करना है कि मियोसाइट में जो होगा उसका डबल होगा हमारा कहाँ पे, मियोसाइट में जो होगा उसका, ओ सॉरी, मियोसाइट का आधा होगा क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट में, ठीक है। जैसे यहाँ 78 दे रखा है, 78 का आधा यहाँ पे हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर इस तरीके से 19 यहाँ दे रखा है, तो 19 का डबल यहाँ हो जाएगा। 8 यहाँ है, तो 8 का हाफ यहाँ हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये 8 है, 8 का हाफ यहाँ। फिर इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये है, इसमें देखिए 630 गैमिट है, तो मियोसाइट में कितना हो जाएगा, 1260। दिख रहा है ना कितना ज़्यादा गैमिट होता है, यानी इनका जो क्रोमोसोम है वो कितने बंडल में पड़ा रहेगा, 1260, यानी
इस तरीके से ये 1260 ग्रुपिंग करेगा अपने डीएनए का, क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़े, तो इस तरीके से आप देखिए पूरा चार्ट दे रखा है आपके सामने। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखिए कितना अमेजिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर होगा। बटरफ्लाई देखिए कितना छोटा सा होता है, और इसका देखिए मियोसाइट में 380 है, तो हाफ हो जाएगा इसका। देख रहे हैं ना आप कितना ज़्यादा, यानी इनका डीएनए 380 ग्रुपिंग करके पड़ा रहेगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन यानी गैमिट हमने बना दिया, और गैमिट बनाने का जो गैमिटोजेनेसिस वाला प्रोसेस हमने क्लियर किया। अब हमें क्या करना है, गैमिट को ट्रांसफ़र करना है। गैमिट का क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। तो गैमिट ट्रांसफ़र से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे जो दिल है, आत्मा है, उसको बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट देख के, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी भलाई हो सके। तो ठीक है दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू।